हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं झारखंड का हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। और झारखंड हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। टोटल हम आपसे 39 क्वेश्चन करवाएंगे। और ये सारा तो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं तो उड़ान बुक से करवा रहे हैं। और इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन झारखंड का कुछ न कुछ टॉपिक हम आपको क्वेश्चन देते रहते हैं। इसके अलावे मेरा नंबर नीचे दिया हुआ रहेगा, तो नंबर से आप मेरा व्हाट्सअप, मतलब हाई लिखेगा मेरा व्हाट्सअप नंबर पे, तो हाई लिखेगा आपके पास जो ऑटोमेटिक रिप्लाई मैसेज जाएगा, जिसमें व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ से मेरा ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो चलिए फ्रेंड, हम आज शुरू करते हैं पढ़ाना। तो आज का जो टॉपिक है मेरा झारखंड का ऐतिहासिक परिचय है ना, झारखंड का हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण झारखंड नाम पड़ा है ना। आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो डी नंबर हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण में, है ना। आते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में। कब किया गया? तो 13वीं शताब्दी में। आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में। और आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं, तो अब हम रेगुलर वीडियो भी हम आपको मैथ और रीजनिंग का देंगे, तो आप लोग मैथ और रीजनिंग का भी क्लास कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो चौथा नंबर बोला है, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा के नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी किकट नाम देशों का अनर्थ। आते हैं हम लोग पंचवा नंबर में। तो पंचवा नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्न में से किस वेद में झारखंड को वत्स्य नाम से संबोधित किया गया। इसका जो पंचवा का आंसर हो जाएगा, तो अथर्ववेद। क्या हो जाएगा पंचवा का आंसर? तो अथर्ववेद, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद। आते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन में। तो छठा नंबर क्वेश्चन है मेरा, वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका छठा का, तो सी नंबर हो जाएगा, यसूर। क्या हो जाएगा आंसर? तो सी नंबर, यसूर। हम आते हैं अब संतवा नंबर क्वेश्चन में। तो संतवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में असुर को लिंग पूजक या शिष्णु देव कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा संतमा का, तो संतमा का हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी ऋग्वेद। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऋग्वेद हो जाएगा। ये आते हैं हम लोग अठवा नंबर क्वेश्चन में। तो तुजुक ए जहांगीर में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अठवा का, तो अठवा का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा, खोखरा। आते हैं हम लोग नौवा नंबर क्वेश्चन में। तो नौवा नंबर क्वेश्चन बोला है, कोटलिया अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबंधित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा नौवा का, तो नौवा का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, कुकुट, है ना, कुकुट हो जाएगा। आते हैं हम लोग दसवा नंबर में। तो दसवा नंबर का क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरा नाम से किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी नंबर हो गया आपका दस का, ऐतरेय ब्राह्मण में पुंडरा बोला गया झारखंड को। आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में
झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबंधित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 11 का, तो 11 का ये नंबर हो जाएगा यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र में। क्या? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में। आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। तो 12 नंबर क्वेश्चन बोला है, टालमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 12 का, तो 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा आंसर, मुंडला है ना, मुंडला। आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोला है, वायु पुराण नामक ग्रंथि में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो बी नंबर मुरंड है ना। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर मुरंड हो जाएगा। आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। तो 14 नंबर क्वेश्चन वह बोला है, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यानी मुंड। आते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। तो 15 नंबर सवाल है मेरा, फाहन द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो फाहन द्वारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी कुकुट लड़। आते हैं हम लोग अगला सवाल में। आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में। तो भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा यानी किकित प्रदेश। आते हैं हम लोग अगला सवाल में यानी 17 नंबर क्वेश्चन में। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोला है, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का, तो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में। इतिहास का बुकनन ने किस स्थान से लेकर वीरभूमि तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का, तो बी नंबर। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यानी बनारस है ना। आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। तो 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची नाम से जाना गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का, तो 19 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा यानी किशनपुर हो जाएगा आंसर। आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातत्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्ति हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा यानी 13वीं सदी में ताम्रपत्र से। आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में। तो महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस वीरदत्तवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 21 का, तो 21 का हो जाएगा डी नंबर, जरासंघ। किसके? तो जरासंघ के अधिकार में था। आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में। तो 22 नंबर क्वेश्चन बोला है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का, तो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा यानी पुंडरिक। आते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 23 का, तो हो जाएगा ए नंबर, पशु भूमि। क्या हो जाएगा? तो पशु भूमि हो जाएगा आंसर, ए नंबर हो जाएगा आंसर। आते हैं हम लोग अगला सवाल में। तो अगला सवाल है मेरा 24 नंबर में। तो अशोक के 13वीं शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का, तो हो जाएगा अंटवी, है ना, यानी बी नंबर।
क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा टवी। चलिए आते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन में। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का तो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा मुरंड, है ना। आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, तारीख ये फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। ये ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर होगा सी नंबर। आते हैं हम लोग 27 नंबर में। तो तारीख ये बंगाल में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी झारखंड। आते हैं हम लोग 28 नंबर में। तो सियार उल मुथखरिन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो झारखंड। क्या हो जाएगा, तो झारखंड हो जाएगा। आते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में। तो 29 नंबर क्वेश्चन है मेरा, हॉन्सोंग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का तो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा यानी किलो ना सुफोलाना, है ना, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में। तो मालिक मोहम्मद जाइस के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है, तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आपका तो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद्मावत, है ना। आते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन में। तो निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहा में झारखंड का उल्लेख किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 31 का तो कबीरदास। क्या हो जाएगा, तो कबीरदास हो जाएगा आंसर। आते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन में। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 32 का तो 32 का हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी उपयुक्त दोनों यानी खुकरा और कुकरा दोनों नाम से जाना जाता था। आते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन में। तो आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो सी नंबर हो जाएगा यानी उपयुक्त दोनों यानी कोकरा और खोखरा। आते हैं हम लोग अगला सवाल 34 नंबर में। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नीरखंड तथा बाद में कंकजोल के नाम से जाना गया, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 34 का तो सी नंबर हो जाएगा, संथाल प्रांगणा। क्या हो जाएगा, तो संथाल प्रांगणा। आते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन में। तो निम्न में से किस राज को ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का तो हो जाएगा आपका सी नंबर यानी नरसिंह देव द्वितीय के समय। आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन में। झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जनजातियों की अधिकता के कारण। आते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन में। तो कर्क स्वर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का तो ए नंबर हो जाएगा छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा, ए नंबर छोटा नागपुर। आते हैं हम लोग 38 नंबर में। तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो सी नंबर हो जाएगा, कलिंद देश। आते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी छोटा नागपुर। चलिए ये मेरा अंतिम सवाल था, और आप लोग को हम बता दें यहाँ जो नंबर दिख रहे हैं, तो नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन एक ना एक वीडियो झारखंड का देते रहेंगे, जिसमें झारखंड का टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो मिलते रहेगा। इसके अलावा हम मैथ का भी क्लास करवाते हैं, तो आप लोग चाहे तो मैथ का भी क्लास
कर सकते हैं, उसका भी आप प्रत्येक दिन वीडियो मिल जाएगा। तो मेरा चैनल के जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।